जोधपुर जिले के जगदीशपुर में इन दिनों हुनर हाट चल रहा है। इस हुनर हाट के जरिए गांव की महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसमें दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों और उससे जुड़े हुए लोगों को इस बेरोजगारी में रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। आपको बता दें कि हुनर हाट में स्वदेशी सामानों को बढ़ावा दिया जाता है। वैसे ही जगदीशपुर के हुनर हाट में वेस्ट मटेरियल से खिलौना, घर से लेकर ऑफिस तक का सामान, दुकान, शादी समारोह में सजावट की सामग्री जैसे जरूरत की चीजें बनाई जा रही। साथ ही साथ गांव और शहर से गायब हो रही पीढ़ियां, कपड़ों की वॉल हैंगिंग जैसी परंपरागत कलाओं को उभारने की कोशिश की जा रही। इसमें गांव की महिलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही, ताकि महिलाएं आज के दौर आत्मनिर्भर बनी और अपनी कला और मेहनत से आगे बढ़े। 24 फरवरी 2021 को स्वयंसेवी संस्था जन विकास क्रांति द्वारा हुनर हाट केंद्र खोलने के बाद से जगदीशपुर और आसपास के देहाती क्षेत्र की जुड़ी महिलाओं के सपने, जो कोरोना और आर्थिक स्थिति की वजह से बंद हो गए थे, अब उन सपनों को पंख लगने लगे हैं। एक उम्मीद की किरण महिलाओं के सामने दिख रही है। पिछले साल हुनर हाट केंद्र का उद्घाटन किया गया था। इस दौरान 50 लड़कियां वहां काम सीखा करती थी, अब उनकी संख्या 200 के करीब हो गई है। सभी औरतें लड़कियों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। हुनर हाट में ज्यादातर ऐसी चीजों का प्रयोग करना सिखाया जाता है जो वेस्ट हो या कबाड़ में फेंका गया हो। उन वेस्ट मटेरियल से बच्चों के खिलौने, उपयोगी सामग्रियों समेत कई प्रकार की चीजें बनाई जा रही है। सभी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या इसमें आपको काम करते हैं? मेन ज्यादा हम जो महिलाएं हैं और एसएचजी महिला मेंबर्स को लेते हैं, क्योंकि वो तो जो इनकम होता है, चाहे जो वेस्ट मटेरियल, ज्यादा हम वेस्ट मटेरियल पे फोकस देते हैं। जो घर में कचरा होता है, जैसे डब्बा हो गया, सॉस का बोतल हो गया, पानी वाला बोतल हो गया, उस पर क्राफ्ट घर के सजावट के चीज़ का आराम से वो लोग बना लेती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। थोड़ा सा कुछ खर्च लगता है उसमें, अच्छा गुलदस्ता, घर के सजावट का चीज़, जैसे डोरमेट हो जाते हैं पुराने कपड़े से, जो सिलाई करती है लोग, तो पूरा कचरा सिलाई का बच जाता है, तो उसका क्या उपयोग करना है वो लोग को बता देते हैं, तो आराम से वो लोग डोरमेट, कुछ लागत नहीं है लेकिन आराम से 50 रुपया 100 रुपया वो लोग का इनकम हो जाता है एक आइटम का। तो उसके अनुसार जितना वो लोग प्रोडक्ट बनाएगी उतना वो लोग का इनकम हो जाएगा। अपना नाम बताओ। हमारे स्नेहा सिंह। हम लोग दवा पंचायत से हैं। स्नेहा दीदी हम लोग का 15 दिन का ट्रेनिंग दी हैं। हम लोग अपन सीख रहे थे और घर का कचरा सा डिब्बा डुबी है उसको हम बनाएंगे, बनाकर बाज़ार में बिक्री करेंगे और बाल बच्चा का पासर पोलन करेंगे और आगे हम बनाएंगे बाजार में बिक्री करेंगे। डेली 200 रुपया बनाएंगे तो एक चीज़ पर 200 रुपया, जिससे मन चीज़ हो वैसे दाम होगा। और फिलहाल में हम बनाएंगे और 2-3 लोगों पास में बुला कर सिखाएंगे। क्या नाम है? उषा देवी। दीपावली की सजावट से लेकर तिलक, शादी, गृह प्रवेश में प्रयोग और सजावट जैसे कई प्रकार के सामान तैयार किए जा रहे हैं, जिसे विदेशी सामान के मुकाबले कम दामों में बेचा जा रहा है। इससे महिलाओं की लागत के साथ साथ उन्हें मुनाफा भी हो रहा है और वो इस कला की मदद से आत्मनिर्भर भी बन रही है। संस्था के महासचिव हेमराज सिंह ने बताया कि जगदीशपुर एरिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति है, जिसे दूर करने के लिए वो और उनकी टीम भोजपुरिया हुनर हाट केंद्र में महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वेस्ट मटेरियल से सामान बनाकर गाँव में बेचा जाता है, लेकिन अब भारत सरकार के पोर्टल पर ये उपलब्ध हो रहा है। साथ ही साथ Amazon, Flipkart जैसी ऑनलाइन शॉप पर भी कुछ ही दिनों में हमारा प्रोडक्ट दिखने लगेगा। जो भी महिलाएं अपने हुनर से खिलौने और उपयोगी सामान बना रही हैं, उसे ऊंचे दाम पर सप्लाई करेंगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। देखिए, हम लोग ने देखा कि हम लोग के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या है, जिसको देखते हुए हम ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी महिलाएं जो कुछ करने के लिए तैयार हैं उनको अपने साथ जोड़ करके हम प्रशिक्षण देते हैं और उनसे अपने आसपास पड़े हुए जो बेकार मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्ट बनने लायक है, उससे हम डेकोरेटिव आइटम बनवाते हैं और उसको बाज़ार में उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनको एक अच्छा आय मिलता है और वो अपने परिवार को भरण पोषण कर सकती है। आप लोग कहाँ ये सप्लाई करते हैं? छोटे से कस्बे में आप लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं?
मुख्य रूप से तो हम अपने यह जगदीशपुर में ही भोजपुरिया हुनर हाट के माध्यम से बिक्री करते हैं। इसके साथ साथ हम ऑनलाइन प्लेटफार्म जो है उस पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू किए हैं और वहाँ पे हम लोग इनके प्रोडक्टों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जिससे इनको एक अच्छा बाज़ार मिल सके और अच्छा आय प्राप्त कर सके। हिमराज सिंह।